मैं एकता, आज हम लोग आए गांधी पार्क में और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभिभावक महासंघ के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे क्या समस्याएं लेके आज यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं। सर अपना नाम? संदीप यादव। अच्छा सर, ये किस लिए आप लोग आए हैं, ये अभियान जो आप लोग संग महाअभियान के लिए? आप बोलेंगे सर? जी, शिक्षा माफिया के लिए है, विनय दुबे नाम है। अच्छा सर, जैसे फीस में आप तीन प्रमुख मांगे हैं, हमारी तीन प्रमुख मांगे हैं। पहले तो जो स्कूल में अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसको लागू किया जाए। और हमारी सबसे प्रमुख मांगे ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड बनाया जाए सारे बोर्डों को मिला के। उससे ये रहेगा कि कम से कम ICSE, CBSE, UP बोर्ड के नाम पे जो भी लड़कों को सिलेबस दिया जा रहा है तो कहीं कुछ कम हो जा रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कुछ ही नहीं है। तो इससे जो लड़के निकल रहे हैं जो भारत के भविष्य हैं उनको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है ताकि वो किसी भी कम्पिटिशन में बैठने लायक अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो हमारी दो तीन मांगे मुख्य हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरी बात कि जो शिक्षा माफिया हैं जो अपने स्कूलों का संचालन करते हैं उसमें बच्चों को पूरी ठीक तरह से जो सुविधा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो मिले। तीसरी बात कि जो हमारा बोर्ड है खास करके उत्तर प्रदेश में, अदर स्टेट्स में हो गए हैं, दो चार स्टेट में हुए हैं कि ICSE, CBSE और UP बोर्ड चाहे उनका जो भी बोर्ड हो सबको मिला के एक बोर्ड कर दिया गया है और एक सिलेबस हो गया है। तो उससे बेहतर ये होगा कि लड़कों का जो ग्रो होने का जो पीरियड होता है उस पर कम से कम मैम उनको फोकस मिले, हमारी यही मांग है। तो आप सही कह रहे हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? आपके घर में कितने लोग पढ़ते हैं? हमारे घर में दो बच्चे हैं हमारे यहाँ। किस क्लास में? एक 7th, एक 8th में। अच्छा, तो आप जो मांग कर रहे हो उनको लेके कर रहे हैं कि और भी जो विद्यार्थी हैं सभी को लेकर? सबके ये मांगे हमारे पूरे प्रदेश में जितने भी निजी विद्यालय CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड द्वारा संचालित हैं उनमें हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार और आर्थिक दोहन के खिलाफ ये आवाज़ है। हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, हम प्रदेश के उन हर घर के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी आज 3 सालों से अनवरत रूप से चल रही है लेकिन अभी तक किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा इस पर कोई कंप्लायंस नहीं किया गया है। इसलिए आज ये जो अभियान हमारा है ये आज पूरे भारतवर्ष में एक साथ हम किए हैं। 3 फरवरी को ये महाअभियान चलाए हैं पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट हर जिले में चलाकर संदेशा देना चाहते हैं कि कम से कम हर घर का हो रहा आर्थिक दोहन रोका जाए इन शिक्षा माफियाओं द्वारा। सर आपका नाम? मनोज तिवारी मैम। आप सर? मैं गोविंद दुबे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र श्रीवास्तव, मैं सर की बातों सहमत हूँ, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम लोगों के लिए वाकई में जो आम आदमी है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इम्प्रूव कर सकती हैं कि सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में फीस समान हो, एक मुफ्त फीस हो, ये ना हो कि सेंट फ्रांसिस कुछ और बोल रहा है, लरेटो कुछ और बोल रहा है, महानगर बॉयज कुछ और बोल रहा है, दयानंद कुछ और बोल रहा है। फीस का शेड्यूल जो है वो सरकार तय कर दे ताकि गरीब से गरीब जो भी बच्चा हो वो शिक्षा से वंचित ना हो सके। अच्छा सर, कभी आप उन लोगों स्कूल में गए जो सरकार द्वारा बहुत छोटे 1 से लेकर 5 तक होते, कभी गए हैं? आपने कभी उनके हालात पे देखा है? जी मैम देखा है, लेकिन जो भी सरकारें अभी तक आई हैं उन लोगों ने एक अच्छा खासा बजट अपने बैठकों में रखा है लेकिन हमें नहीं लगता है कि किसी स्कूल में कोई सुधार हुआ है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा था कि स्कूलों में जब वो टीचर जाएगा तो उसका कौन सा अंगूठा वाला क्या होता है उससे उसकी अटेंडेंस को चेक करेंगे, लेकिन मैम उसका भी इन लोगों शिक्षकों ने निचोड़ निकाल लिया है। अभी एक छोटे बच्चे का हादसा हुआ है इस लखनऊ के एक स्कूल में, तो उसमें आपने उसके बाद कभी आप अपने बच्चों के स्कूल में गए हो और देखा है कि क्या सुरक्षा है, कितनी CCTV? यस मैम, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हर स्कूलों में कम से कम एक काउंसलर की नियुक्ति हो, एक काउंसलर की नियुक्ति हो जिस गार्जियन को या जिस क्लास टीचर को ये लगता है कि ये लड़का कुछ थोड़ा सा इसकी जो हरकतें हैं वो कुछ थोड़ा सा अलग हटके हैं तो उनको तुरंत काउंसलिंग की वो दिया जाए। किसी भी लखनऊ के किसी भी स्कूल में कहीं भी किसी काउंसलर की नियुक्ति नहीं है मैम, और जब तक बच्चे को हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे, बच्चे की
जो आपस में दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो उसका विकास कैसे करेंगे। आप जब आप एडमिशन लेते हो अपने बच्चों का किसी भी बड़े, अधिकतर हम लोग सोचते हैं, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो आप जब किसी अपने बच्चे का एडमिशन करने जाते हो तो स्कूल में क्या देखते हो आप, नाम, शिक्षा या फीस? मैम, हम तो बच्चे की शिक्षा की सोच के जाते हैं, क्योंकि इस जो शिक्षा का बाजार है उसमें नाम चल रहा है, नो डाउट नाम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा नाम भी मिले, एक अच्छा शिक्षा भी मिले। लेकिन वहाँ हम जाते हैं तो शिक्षा तो कुछ नहीं मिलता है, नाम सिर्फ नाम का है, क्योंकि वो उनका उस तरह से प्रोपगंडा है। और उनकी जो फीसें हैं वो अनर्वत किसी न किसी, जैसे महीने भर में हर महीने किसी न किसी उसके एक्टिविटीज़ के नाम पे गार्जियंस को परेशान किया जाता है। तो जो प्राइवेट वाले के लिए आप कह रहे हो कि जो सरकारी स्कूल, उन दोनों का सरकारी स्कूल में भी ये धंधा चालू हो गया है। सरकारी स्कूल में कभी रविदास जयंती के नाम पे, कभी महात्मा गांधी जयंती के नाम पे, कभी किसी महाराणा प्रताप के नाम पे, कभी परशुराम के नाम पे भी सरकारी स्कूलों में पैसे का दोहन चालू हो गया है। तो हमें एकजुट होके सारे जितने गार्जियंस है सबको एकजुट होके स्कूल में ही जाके मीटिंग या कुछ बोलना चाहिए। इस धरने के बाद हम लोग अब पेपर के माध्यम से पंपलेट हर घर घर में पहुँचाएंगे और स्कूलों पर खड़े होके जो हम लोग की मुख्य मांगे हैं वो हम लोग पंपलेट के थ्रू गार्जियंस को अवगत कराएंगे और अपने लड़ाई को और व्यापक बनाएंगे। बिल्कुल सर, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? हम तो मैडम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं शिक्षा माफियों का एकाधिकार खत्म होना चाहिए, जिसमें सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। उनको और बजट देके उनको प्रोत्साहित कर रही है, पढ़ाई नाम पर जीरो है। मैं तो वही बोलना चाहूँ जो सबने कहा कि हकीम शिक्षा पे जो फीस वृद्धि हर साल 15% 20% फीस वृद्धि होती है, इसे हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, मिडिल क्लास के लिए खासकर। और देखा जाए तो सभी के लिए एक एजुकेशन होना चाहिए, बोर्ड एक ही होना चाहिए। फीस देखा जाए, सबने जैसा कहा कि हर स्कूल में अलग अलग फीस निर्धारित की गई है, जबकि फीस एक समान होगा तो सबके लिए समान होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का, सबके लिए एक समान करना चाहिए शिक्षा। चलिए अच्छा है सर, आपने जो बोला साथ में आपकी एजुकेशन और प्लस सुरक्षा बच्चों का भी, वो चीज़ होना चाहिए कि जो हो भी रहा, चाहे वो प्रतिमन का हो किसी का भी हो, वो होना चाहिए। शिक्षा पे खर्चा आता है, जितनी वेतन वृद्धि नहीं उससे ज़्यादा फीस बढ़ जाती है। चलिए अच्छी बात है सर, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आप इस महासंघ के अध्यक्ष हैं। यतीन्द्र श्रीवास्तव मेरा नाम है और हम लोग ने मॉनफोर्ड महानगर बॉयज़ में एक एसोसिएशन बनाया है, उसके अध्यक्ष हैं हम। खाली इतनी बात जानते हैं कि जो फीस वृद्धि पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के समय ये घोषणा की थी कि सारे निजी स्कूलों में रोक लगेगी चुनाव फीस वृद्धि पे, उस पर अभी तक कोई उन्होंने दिशा निर्देश नहीं दिया है, ना कोई आदेश दिया है। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पर मेन आए हैं कि फीस वृद्धि को लिमिटेड किया जाए, है ना। जो गुजरात में पैटर्न चल रहा है कि 1 से लेकर 5 तक 18,000 रुपये वार्षिक, या 5 से लेकर इंटर तक 20,000 22,000 रुपये वार्षिक, इस पैटर्न में लाया जाए। मेन हम लोग की फीस वृद्धि का है और एनसीईआरटी की बुकों को लागू किया जाए हर स्कूल में। ये प्राइवेट पब्लिकेशन अपनी अपनी बुकें कमीशन दे के स्कूलों में चला रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप पंकज जी हैं हमारे बात अच्छी हुए दादा सर, आप संघ के में जो भी लोग आए हुए हैं उनकी मांगे हैं तो आप ये प्रथम हमारा आंदोलन का प्रथम चरण है, इसके बाद हम इस आंदोलन को घर घर हर एक विचारधारा तक के ले जाना चाहते हैं। इसमें देखिए तीन मुख्य मांगे हैं हमारी, कि पहली बढ़ती हुई फीस वृद्धि, सरकार ने आते साथ ही जैसे ही सरकार ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल सब एक दायरे में लाए जाएंगे और 20,000 रुपये से ऊपर वार्षिक जिनकी भी फीसें हैं उनमें तत्काल रोक लगाई जाएगी। लेकिन उसके बाद से लचर व्यवस्था के तहत सरकारी आज तक की उनका प्रपोजल बन रहा है, सुझाव मांगे गए, सुझाव की तिथि भी खत्म हो गई अक्टूबर में, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर के बाद नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया और जनवरी भी बीत चुका है और सत्र भी इनके शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गए, लेकिन बढ़ती हुई फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उपाय नहीं है। GST लागू करनी होती है
तो सरकार अविलंब लागू करती है। रातों रात पेट्रोल के 12 बजे के बाद पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं और GST पर बढ़ी हुई कीमतें। लेकिन जो फीस वृद्धि का विषय है, NCERT बुक, जिससे तमाम हमारे अभिभावक पूरे प्रदेश भर के और प्रदेश के बाद देश भर के, अगर NCERT की बुक लागू होती है, पूरे देश में एक सिलेबस होता है, तो आज हमारा बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है, लखनऊ में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और कल किसी कारण से भी, हम चाहे स्थानांतरण के कारण या पलायन के कारण, हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जिले में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा बच्चे का सिलेबस चेंज हो जाता है। जो हम मांग करते हैं, NCERT की बुक पूरे देश में लागू हो। एक देश एक कानून की बात करते हैं केंद्र सरकार, एक देश एक कानून की बात करती है प्रदेश सरकार, लेकिन ऐसा कोई जमीनी हकीकत में नहीं है। हम उस हकीकत को बदलने के लिए संगठित होकर यहाँ पर आज पहला धरना और एक ज्ञापन देने की नीति अपनाई है। इसके बाद हर लखनऊ के स्कूल, जिलों में स्कूलों में जाके अभिभावकों को कन्विंस करके हम इस आंदोलन को आगे ले जाकर और इसी सत्र में लागू कराने के भरसक प्रयास करें। यानी कि यहाँ पर लाभ यहाँ पर नहीं हुआ आगे, तो आप इसको कितनी दूर तक? बिल्कुल, हम उतनी दूर तक ले जाना चाहेंगे कि घर घर से क्रांति की ज्योति निकले, चिंगारी निकले, ज्वाला बन के अभिभावक यहाँ पर, आज हम 10 हैं, 20 हैं, और यही हजारों में कन्वर्ट हो, ताकि प्रदेश सरकार जो गूंगी बहरी अंधी, जिसको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है और बोल भी सकती है, लेकिन वो शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंसी हुई, उस चंगुल से निकालने के लिए एक लड़ाई की हमारी एक पहली शुरुआत है और इस शुरुआत को आगे तक की लेकर जाए। सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कल का जो भविष्य है वो शिक्षित होना चाहिए। इसी के साथ मैं एकता आपसे ज्यादा लेना चाहूंगी। नमस्कार। ये कहां है?